महंत नरेंद्र गिरी के करीबी रहे अनुराग संत ने बड़ा दावा किया है। अनुराग संत के मुताबिक नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच दूरियों की वजह मंदिर का चढ़ावा था। अनुराग संत का कहना है कि घटना के तुरंत बाद इन्होंने शव को देखा था। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का रहस्य लगातार गहराता जा रहा है। अनुराग संत हमारे साथ मौजूद हैं। घटना के प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर हम इनसे जान सकते हैं कि जो वीडियो वायरल हुआ है आखिर उसका सच क्या है, ये हम आपसे जानेंगे। अनुराग जी, कि आप कब पहुँचे? देखिए, एग्जैक्ट टाइम तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जब घटना हुई है तो उसके कुछ चंद मिनटों में कह सकते हैं, घंटों में नहीं कहेंगे, तो पहुँचता हूँ। उसके बाद वहाँ की जो अवस्थाएँ व्यवस्थाएँ थी बड़ी अजीब सी थी। बड़े महंत के बीच दूरी का कारण क्या बना आपको? क्या देखिए, जो हमने अब हम लोग को समझ में आता है, हमारे को कोई बहुत विशेष नहीं, बस एक बात समझ में आती है कि एक बहुत छोटी सी बात बीच में उभर के आई थी कि जो मंदिर में चढ़ावा आ रहा है उसको लेके वाद विवाद हुआ था। वो ये था कि भाई इसमें से पैसे चोरी हो रहे हैं या गायब हो रहे हैं, इस टाइप की बातें हुई थी। मंदिर के चढ़ावे का आपने जिक्र किया जी, आपकी जानकारी में मंदिर से रोजाना कितना चढ़ावा आता होगा? चूँकि सिर्फ आनंद गिरी का सवाल नहीं है बल्कि पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी, जिनकी मंदिर में दुकान भी है और बाद में महंत जी ने उनको भगा दिया था, ये भी चीज़ें सामने आई हैं। देखिए, फिर मैं बोलूँगा, ये मठ का मामला है, यहाँ वो हम लोग कोई मठ के ना विद्यार्थी है ना मठ के पुजारी हैं। हम लोग का एक आपसी लगाव है, जिस नाते मठ आना जाना है या महाराज जी लोगों से मिलना है। रेड लेटर, उसको लेकर क्या आप कहना है, सही है या सही नहीं है? सही नहीं है, सीधा सीधा उसको, वो तथा कथित सुटाइट नोट है, उसमें हम ही नहीं आप भी देख चुके होंगे, ए से लेके जेड लोग अगर होंगे, अगर उसमें 100 लोगों से आप पूछेंगे तो 99 लोग बोलेंगे वो गलत है। सुसाइड नोट पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही इनका ये भी कहना है कि महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच जो दूरियां बनी उसकी बड़ी वजह मंदिर का चढ़ावा था। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, प्रयागराज। वृंदावन के आनंदम धाम के सद्गुरु रिद्धेश्वर महाप्रभु ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी मामले पर कहा है कि अगर यह हत्या की वारदात है तो उसके पीछे गद्दी संपत्ति वर्चस्व की लड़ाई निकलकर सामने आएगी। तो वहीं अगर आत्महत्या है तो हम सभी मामलों को लेकर जवाबदेही बढ़ जाती है, संत समाज को जवाब देना पड़ेगा। आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत अभी भी सवालों के घेरे में फंसी है। उनके सुसाइड नोट से लेकर वसीयत तक कई सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं और उसकी जांच अब सीबीआई को सौंपी गई है। संत की बात हो रही है, महंत नरेंद्र गिरी जी का अभी निधन हुआ, तमाम तरह की चीज़ें हैं, अभी तक जो चीज़ें ये हुआ कि उन्होंने आत्महत्या की है, संत समाज से ही हैं, आप इसे किस तरह से, इस पूरे अगर प्रकरण को देखें कैसे आप देखते हैं? मैं दो तरीके से देखता हूँ। अगर हत्या है तो हत्या के जड़ में क्या निकल के आएगी आपको भी पता है, गद्दी संपत्ति वर्चस्व की लड़ाई, ईगो, कौर महंत की गद्दी पर बैठेगा, यही आएगा, आप देखना। और अगर ये आत्महत्या है तो वहाँ भी यही होगा कि कैसे बदनाम कर दें, जो सचमुच शिष्य है उसको अलग हटा दें, राक्षस अपनी चाल चल रहा होगा, सचमुच के शिष्य अपना संघर्ष कर रहे होंगे, और आत्महत्या अगर निकल के आई तो ज़्यादा जवाबदेही बढ़ जाती है। संत समाज को फिर जवाब देना पड़ेगा, भारतीय आध्यात्म को जवाब देना पड़ेगा कि जो आध्यात्म डिप्रेशन से मुक्ति की बात करता है, अगर आध्यात्म की इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठ करके भी कोई डिप्रेशन में आ जाए कि आत्महत्या करना पड़े, तो फिर मैं कहता हूँ ये कोई मुद्दा साधारण नहीं है, ये भारत की दशा और दिशा तय कर देगा। क्योंकि लोग प्रश्न पूछेंगे, यहाँ के लोग पूछें न पूछें, जाकिर नाइक जरूर पूछ देंगे किसी ना करके कि आपका तो धर्म का ये हालत है साहब। यद्यपि उनके यहाँ करोड़ों ऐसे दृष्टांत हैं, लाखों दृष्टांत रोज अमेरिका में हो रहे हैं, पर वो दबा रहेगा। मैं तो कहूंगा दोनों चीजों पर विचार होना चाहिए कि कहां चूक रह गई।